गणतंत्र दिवस के अवसर पर मलाड मालोनी कारगिल नंबर 8 में झंडा वंदन किया गया। इस अवसर पर सिविलियन होमगार्ड एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब परवेश शेख, राजेश दीवान और अल्फोकस फाउंडेशन व अपने टीवी के चेयरमैन जनाब एम ए माजिद सिद्दीकी उपस्थित थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सभी देशवासियों को मेरी तरफ से रिपब्लिक डे के हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिकन डे 26 जनवरी 2022 अंबुजावाड़ी कारगिल के उसमें मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। हमारे परवेश शेख जो सिविलियन के प्रेसिडेंट है होमगार्ड के, पिछले 10 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी। कई दिनों से मैं इनसे रब्ता रखता हूँ, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद ये एरिए को मैंने काफ़ी डेवलप होता हुआ देखा हूँ। सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि 26 जनवरी जो अभी 75वें साल में हम आज़ादी मना रहे हैं। ये रिपब्लिकन डे का मतलब ये है कि हर घर में खुशी आना चाहिए, लेकिन ये लॉकडाउन से अभी तक हमारे बच्चे घरों में थे। पहली बार स्कूल और कॉलेज खुले हैं, तो मैं सिविलियन होमगार्ड की तरफ से और हमारे तमाम साथियों की तरफ से उन बच्चों को भी बधाई दूंगा, क्योंकि आने वाला समय जो है, अगर बच्चे जागेंगे नहीं, बच्चे अगर आगे पढ़ेंगे नहीं, तो ये देश की समस्या और बढ़ती जाएगी, क्योंकि बच्चों से ही देश आगे बढ़ता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सभी अपने देशवासियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये आज कोरोना महामारी में भी लोगों के अंदर जोश वैसा ही है, जज्बा वैसा ही है, और आज हम कारगिल रोड अंबोजवाड़ी मलाड वेस्ट में हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए। इससे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे हम लोग इकट्ठा होकर के झंडा फहराते थे, लेकिन कोविड का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे झंडा फहराया। मैं सिविलियन होमगार्ड एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट परवेज आर सिंह जी और पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं भी महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ सिविलियन होमगार्ड का, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। और हमारी बड़ी बड़ी तादाद में यहाँ महिला इकट्ठा होती थी, पुरुष इकट्ठा होते थे, लेकिन आज भी महिला और पुरुष इकट्ठा हुए, तो क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड का पालन करना जरूरी है, इसलिए एक बार हम फिर से सिविलियन होमगार्ड की तरफ से तमाम देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन, मुबारक हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस झंडा वंदन में स्थानिक लोगों ने भी बढ़ चढ़कर शिरकत की और झंडा वंदन करते हुए कौमी भाईचारगी पेश की। मुंबई न्यूज़ अपना टीवी
अपने सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता है। कि बच्चों की तालीम अगर शुरू हो जाए तो यकीनन हर वो चीज़ आगे बढ़ सकती है। दो साल में हर एक का नुकसान हो, किसी के परिवार में कोई चला गया, जो है अब उनको संभालना है और देश को आगे बढ़ाना है। हमारे सेवक परवेज शेख साहब मौलाना मालवी कारगिल में पिछले कई सालों से सेवा देते आ रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, तमाम उनके साथियों को, महिलाओं को, बच्चों को और उनके तमाम दोस्तों को, खासतौर से दीवान साहब और उनके कार्यकर्ताओं को माजिद से दी अपना टीवी की तरफ से आप सबको फिर एक बार बधाई। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई न्यूज़, अपना टीवी के लिए। एक चीज़ अच्छी थी कोविड में कि लोगों के अंदर जब कोरोना फैला या प्रॉब्लम फैली तो लोगों के अंदर इंसानियत बहुत थी। लोग किसी की हेल्प कर रहे थे, मतलब आउट ऑफ द वे जा रहे थे, किसी का रिलीजन नहीं पूछ रहे थे। तब मैं बोलता हूँ कि जब हम पे ज़रूरत आन पड़ी और ख़तरे में थी जान पड़ी, तब हमने क्या ये सोचा था और ख़ुद से क्या ये पूछा था? एम्बुलेंस में ले जाने वाला, डॉक्टर से मिलवाने वाला, ऑक्सीजन दिलवाने वाला, प्लाज्मा चढ़वाने वाला और खाना भिजवाने वाला, लाशों को दफनाने वाला और लाशें जलाने वाला कितना ही ज़्यादा नेक था वो, हम में से कोई एक था वो। कोई नाम हमें मालूम न था, डिकॉस्टा सिंह या शेख था वो। हम सारे जब परेशान थे ना उस वक्त तो हम इंसान थे ना, हम सारे जब परेशान थे ना उस वक्त तो हम इंसान थे ना, एक दूसरे के साथ थे हम मिलकर हिंदुस्तान थे ना। अब नेताओं के लड़वाने से, मीडिया के भड़काने से, झूठी मूठी अफवाहों के चक्कर में आ जाने से हम क्यों बंटवारा करते हैं, मेरा या तुम्हारा करते हैं? बेवजह आपस में लड़कर गलती ये दोबारा करते हैं। हम सबको अब ये ठानना है, सबको ही अपना मानना है, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सब एक ही हैं ये जानना है, एक दूसरे की जान बने, इस मुल्क की हम सब शान बने। अरे बहुत हुआ हिंदू मुस्लिम, हम मिलकर हिंदुस्तान बने।